आपका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो वर्ष 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला। जी हम बात कर रहे हैं मूलांक 8 वाले जातकों के लिए, और मूलांक 8 का जो स्वामी ग्रह होता है वह होता है शनि ग्रह, क्योंकि शनि ग्रह ही मूलांक 8 वालों को रूल करता है। और इस वर्ष का जो अंक है वह है 7, और 7 अंक होता है केतु का। तो शनि और केतु का योग मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहने वाला है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ऐसी 10 भविष्यवाणियां आपको मैं बताऊंगा जो एक नहीं 1000% 2023 में आपके साथ होने वाली है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पर सच्चा और अच्छा ज्ञान हमेशा ही मिलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह वर्ष उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपके जीवन में कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी तो कुछ बहुत ज्यादा खराब होंगी। आप बहुत सोचेंगे कि चीजों को ठीक करें, व्यापार को ठीक करें, अपने घर परिवार के माहौल को ठीक करें, लेकिन वो बिगड़ती चली जाएंगी। कुछ समय ऐसा आएगा जब सारी चीजें बैलेंस होंगी, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अचानक से चीजों में बदलाव होगा और प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि ये वर्ष ही ऐसा है जो उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सोच विचार कर कार्य करना पड़ेगा आपको। जो भी डिसीजन लें अपनी लाइफ में, बहुत सोचें विचार करें, अगर वो सही हैं तो उन पर अमल करें, अगर सही नहीं है तो उन्हें अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि आपके डिसीजन आपके निर्णय ही आपको 2023 में सरवाइव करने का सही मौका और अवसर देने वाले हैं। तो अपनी लाइफ में उन अवसर को, उन मौकों को दूर ना जाने दें जो आपकी आर्थिक तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर या आपको मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत और सक्सेसफुल बनाने वाले रहेंगे। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि केतु है कुछवत केतु शनिवत राहु। जी हाँ, केतु जो है वो मंगल के समान कार्य करने वाला ग्रह माना जाता है और शनि मध्यम गति से काम करता है। तो कुछ ऐसे निर्णय जो आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें जल्दबाजी में ना लें, सोचें समझें विचार करें और फिर निर्णय लें। जल्दबाजी में निर्णय करेंगे तो प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। प्यार में पार्टनर की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति परफेक्ट हो, उससे कोई गलती ना हो, और अगर आप छोटी छोटी गलती को काउंट करेंगे किसी भी रिलेशन में तो रिलेशन खत्म ही होना है, वो कभी प्यार से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें, अपने पार्टनर के व्यवहार को समझें, उसकी बातों को समझें, भावनाओं को समझें, उसके हिसाब से अपने जीवन में आगे चलने का प्रयास करें, उसका साथ ना छोड़ें, साथ देते रहें, और अगर कोई कमी दिखे तो उसे प्यार से ठीक करने की कोशिश कीजिए। अजनबी पर विश्वास ना करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास ना करें जो आपके लिए अनजाना है, आपको नुकसान देने के लिए आया है, आपसे मीठी बातें करता है, आपका विश्वास जीतता है और फिर आपके साथ धोखा करके चला जाता है। तो ऐसे लोगों से बचने की सलाह आपको दी जाती है। किसी पुराने साथी का, किसी पुराने लवमेंट का, किसी पुराने फ्रेंड का सहयोग मिल सकता है और उसका साथ आपको काफी हेल्प करने वाला रहेगा 2023 में। चाहे बिजनेस हो, जॉब हो या किसी भी प्रकार से, उसका सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और उसके सपोर्ट से आप अपने जीवन में आगे जाएंगे भी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आपका फ्रेंड्स चुटकियों में खत्म कर देगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा योग नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स को उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं बहुत लंबे समय से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट 2023 में मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग नजर आ रहे हैं जो आपको जीवन में सफलता देने वाले रहेंगे। विदेश यात्रा, आप अगर अपनी स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, किसी भी पर्पस से फॉरेन यात्रा का सोच रहे हैं ना, तो वो भी आपकी हो जाएगी। उसके भी बहुत अच्छे योग नजर आ रहे हैं। वहां आप जाकर अपने करियर को सही तरीके से और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अच्छा जॉब मिल जाएगा, व्यापार आपका सेटल हो जाएगा, स्टडी में भी आपके ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। आलस्य का त्याग करने की जरूरत है। जी हाँ, कोई भी काम करते हैं उसे कल पर ना छोड़ें, टालें ना उसे, उसे टालने की जरूरत नहीं है। आलस्य ना करें, जो काम आया तुरंत किया, तुरंत ही उसे फिनिश करें, तुरंत ही उसे परिणाम तक पहुंचाएं, कल पर ना छोड़े, क्योंकि कल पर छोड़ा गया काम कभी पूर्ण नहीं होता है। कहावत है, रहे हुए काम राजा कभी नहीं कर सकता है,
और आपको राजा बनना है तो काम को तुरंत पूरा करना पड़ेगा, तुरंत निपटाना पड़ेगा। तो ये रहा वर्ष 2023 का मूलांक आठ वालों का राशिफल। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए तो ऐसे वीडियो में लेकर आता हूं। जय महाकाल, हर हर महादेव।